आ रही है। शहरी, एक तो पहले तो ये बताइए, एक नूर मुकदम केस के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे लोगों की थी, खवातीन की थी, क्या वो आज की इस वर्डिक्ट के बाद, इस फैसले के बाद वो पूरी हुई हैं? शुक्रिया आसमा। देखिए, नूर मुकदम का केस बहुत ही पाकिस्तान के और पाकिस्तानी इंसानी हकूक के जितने भी अलंबरदार हैं उनके लिए बहुत एक टेस्ट केस समझें, इसीलिए इसकी बात हो रही है। और उसमें जो एक नुमाया बर्बरियत पढ़े लिखे और आपके बावसायल तबकात से उभरते हुए घरों से निकली है, ये बात तो पूरा पाकिस्तान में समझती हूँ हिलके रह गया था। और ये बड़ी, हम तो आए दिन सुनते हैं, बहुत ही संगीन मसाइल का सामना होता है आम खवातीन को। लेकिन देखिए, ये हमारे बड़े फैमिली से दोनों लड़कियों का, बावसायल दोनों बच्चों का, खासतौर से लड़के का जिसने ये हरकत की है, ये ताल्लुक था। और हम सोच भी नहीं सकते इस लेवल ऑफ, जिस लेवल की बर्बरियत दिखाई दी। तो बहुत देखिए, डेथ पेनल्टी तो मैं वैसे जाती तौर पर पीपल्स पार्टी भी डेथ पेनल्टी के हक में नहीं होती, लेकिन ये लाइफ सेंटेंस तो होता है डेथ के जो हवाले से होता है, उसमें इनको कोई, मैं नहीं समझती उनको कोई जो कम्यूट कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, ये एक गारंटी होनी चाहिए कि जब ये लाइफ सेंटेंस हो, पहले तो मुझे लगता है ये अपील कर लेंगे और अपील में फिर एक और मरहला आएगा और फिर यही टेंशन होगा कि इंसाफ अगर इस तरह के केसेस में नहीं होगा तो फिर कब होगा। ये सारी बातें बहुत अहम है, हमें कोई ये नहीं है कि किसी के खिलाफ पर्टिकुलर, मगर ये तो बहुत घिनौना जुर्म था और इंसाफ इंसाफ होना चाहिए ऑल द वे टू टॉप एंड बॉटम। तो ये अपील के वक्त भी हमें देखना पड़ेगा फिर से कि कोई असर वसूख ना चले, और सॉरी टू से, और ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये कोई किसी तरह कम्यूट ना हो जाए। आपको पता है हमारे जेलों की हालतें क्या हैं।